वुमेन्स डे का सरप्राइज। 7 मार्च की रात थी, गट्टू चिंकी सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी पापा दोनों के लिए दूध के गिलास लेकर आए और ये देखकर गट्टू चिंकी चौंक गए। आज आप दूध लेकर कैसे आ गए? क्यों, मैं तुम दोनों के लिए दूध नहीं ला सकता? दूध तो हर रोज मम्मी लाती है ना, इसीलिए हम थोड़ा चौंक गए। अरे मुझे तुम दोनों से सीक्रेट बात करनी थी, इसलिए तुम्हारी मम्मी से कहा आज दूध मैं ले जाता हूँ। सीक्रेट बात, वो क्या? कल कौन सा डे है? आज संडे था, मतलब कल मंडे है। अरे बुद्धू, कल 8 मार्च है, मतलब कल वुमेन्स डे है। वो तो हमें पता है, हम बस मजाक कर रहे थे। अच्छा तो बोलो, कल क्या क्या सरप्राइजेस देने हैं? सरप्राइजेस? अरे तुम्हारी मम्मी को, हमारे घर में वो एक ही तो वुमेन है। हम तो कल वही करेंगे ना जो हर साल करते हैं। हाँ, कल तुम्हारी मम्मी से पहले उठ जाएंगे, नाश्ता खाना सब कुछ हम ही बनाएंगे, मम्मी को कोई काम नहीं करने देंगे और ढेर सारे गिफ्ट्स भी देंगे। चलो फटाफट दूध पी लो और सो जाओ। 8 मार्च की सुबह हुई, पापा भागते भागते गट्टू चिंकी के कमरे में आए, तभी गट्टू चिंकी सो रहे थे। हे भगवान, पूरी प्लानिंग का सत्यानाश हो गया, गट्टू चिंकी उठो। पापा की आवाज से गट्टू चिंकी जाग गए। क्या हुआ पापा? भूल गए, अरे आज वुमेन्स डे है, हमें जल्दी उठकर घर के सारे काम करने थे, तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देना था, सब उल्टा हो गया। तुम्हारी मम्मी उठकर किचन में काम कर रही है और हमने अभी तक ब्रश भी नहीं किया। रिलैक्स पापा, मम्मी को पहले से ही पता था हमें उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं, सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं बचा था, इसीलिए हम फिर से आकर सो गए। मतलब तुम उठकर फिर से सो गए? हाँ पापा, हम थोड़ा लेट ही उठे थे, लेकिन आपसे पहले उठे थे। चिंकी चलो, 6 बज गए, हम लेट हो गए। हम दोनों ने हॉल में आकर देखा, मम्मी पहले से उठी हुई थी और मेघा आंटी से बात कर रही थी। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। कोई सरप्राइज मिला कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला, वैसे प्लान तो बहुत हुए थे, सुबह जल्दी उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नींद के आगे सब प्लान फेल। लगता है आज भी सारे कामों को अंजाम मुझे ही देना होगा। मैं भी घर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है, अभी अभी योगा क्लास से आ रही हूँ। ए तू योगा क्लास जाती है ना? मेरी भी इच्छा है योगा क्लास करने की, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, सुबह सुबह किचन में उलझ जाती हूँ। हम औरतों की तो यही परेशानी है, सुबह का किचन मेरे पति संभाल लेते हैं, इसीलिए मैं जा पाती हूँ। पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी। ये सब देखकर हमारा मूड खराब हो गया, इसीलिए हम दोबारा आकर सो गए। अब मम्मी को दूसरा सरप्राइज क्या देंगे? गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हम हर रोज मम्मी को योगा क्लास भेजेंगे। क्या? नहीं नहीं, मम्मी सुबह सुबह योगा क्लास जाएगी तो हमारा ब्रेकफास्ट टिफिन ये सब कौन देखेगा? हो जाएगा पापा, हम सुबह जल्दी उठकर सब मैनेज कर लेंगे। मम्मी की इच्छा है योगा क्लास ज्वाइन करने की, आज के दिन मम्मी को इससे बढ़िया सरप्राइज और क्या दे सकते हैं? क्यों ना हम अपने छोटे मोटे काम खुद ही करें और महिलाओं को आजादी दे। यह सुनकर पापा बोले, प्राउड ऑफ यू बच्चों, तुम्हारी मम्मी योगा क्लास जरूर जाएगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी और पापा बिना मम्मी को बताए बाहर योगा क्लास आए और उन्होंने मम्मी का एडमिशन कर दिया। घर आते आते वो मम्मी के लिए योगा सूट और गुलाब भी खरीद लाए। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। तुम सब मुझे बिना बताए ये गुलाब खरीदने गए थे, और क्या क्या लाए हो? आपके लिए योगा सूट और आपकी योगा क्लास में एडमिशन भी करके आए हैं। कल सुबह से आप हर रोज मेघा आंटी के साथ योगा क्लास जा सकती हो। ये सुनकर मम्मी चौंक गई। ओह, तो ये सरप्राइज प्लान किया था तुमने? नहीं नहीं, हमने तो हर साल वाला वही घिसा पिटा सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन बच्चों ने कहा मम्मी योगा क्लास जाना चाहती है और फिर हमने प्लान बदल दिया। थैंक यू, लेकिन कैसे पॉसिबल है, सुबह का नाश्ता टिफिन और भी बहुत काम होते हैं।
मम्मी टेंशन ना लो, हम सुबह जल्दी उठेंगे, आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा, आप बस जाओ। यह सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और इस प्रकार गट्टू चिंकी और पापा ने मिलकर मम्मी का वुमेन्स डे सफल बना दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।